दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम हफ्ते की बात के साथ मैं उर्मिलेश। इस हफ्ते जिस खबर पर सबसे अधिक चर्चा रही है वो जम्मू कश्मीर की खबर है। यह अलग बात है कि टेलीविजन चैनलों पर उस पर कोई गंभीर चर्चा नहीं हुई, लेकिन अखबारों में लगातार खबरें प्रमुखता से आती रहीं। YouTube चैनलों पर भी चर्चाएं हुई, डिस्कशंस हुए, टिप्पणीकारों ने अपने अपने ढंग से कश्मीर के मसले को व्याख्यायित किया, लेकिन कश्मीर के मौजूदा इस प्रसंग से उभरते सवालों को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश शायद कम की गई है। आखिर इसकी क्या वजह है? जैसे आपने देखा होगा कि अखबारों में और टेलीविजन चैनलों पर तो खैर उनकी बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन सीरियस अखबारों में भी सबसे ज्यादा जिस बात की चर्चा हुई वो टारगेटेड किलिंग की हुई, यानी निशाना बनाकर लोगों के मारे जाने का, आतंकियों द्वारा जो आतंकवादियों की जो हरकत हो रही है उस पर ज्यादा चर्चा हुई कि साहब टारगेटेड किलिंग हो रही है जम्मू कश्मीर में। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं, जम्मू कश्मीर में टारगेटेड किलिंग जो है, टारगेट बना करके किसी को मारना, निशानदेही के साथ किसी की हत्या करना, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। 1989-1991 के दौर से ही ये आप एक ट्रेंड दिखाई पड़ता है, और किसी भी समाज में, किसी भी मुल्क में जहां भी आतंकी या मिलिटेंसी गतिविधियां होती हैं वहां पर इस तरह की किलिंग्स होती रही हैं। आप पंजाब में देख लीजिए, जम्मू कश्मीर का तो खैर उदाहरण ही है। तो टारगेटेड जो किलिंग है वो उसको एक बिल्कुल अनोखी प्रक्रिया या अनोखी घटना के रूप में पेश करना, मैं समझता हूं कि ये कोई जम्मू कश्मीर के मौजूदा मिलिटेंट जो मौजूदा मिलिटेंसी का ट्रेंड है उसको आइडेंटिफाई करने का एक सही तरीका नहीं है। सही बात यह है, और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो दो है। पहली बात तो यह है कि आर्टिकल 370 के जो संबद्ध जो प्रावधान है उसको निष्प्रभावी करने के बाद हमारी सत्ता ने, हमारी सरकार ने दावा किया था कि जम्मू कश्मीर के मसले को अब बिल्कुल सॉल्व कर लिया गया है। यही वो मसला था 370 जिसके कारण जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी थी, जम्मू कश्मीर में लोगों का एलियनेशन था, जम्मू कश्मीर मेन स्ट्रीम इंडिया यानी भारत की मुख्य धारा से जुड़ नहीं पा रहा था। अब इसको हमने हल कर लिया है, तो पॉलिटिकल सेटलमेंट जम्मू कश्मीर का वास्तविक अर्थों में अब जाकर पूरा हुआ है। दोस्तों ये मिलिटेंसी का जो नया दौर दिखाई देता है, इससे यह बात फिर साबित हो रही है कि जम्मू कश्मीर के बारे में सरकार ने 370 की बाबत जो दावा किया था वो निराधार हो गया। सरकार की इस दावेदारी में कोई दम नहीं था। 370 के बाद भी अगर जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी जारी रहती है, किलिंग्स हो रही हैं, चाहे वो टारगेटेड हो चाहे वो योजनाबद्ध हो, तो इसे माना जाना चाहिए कि मिलिटेंसी का 2019 के बाद 2022 में भी अभी तक समाधान नहीं खोजा जा सका है। लोगों के आक्रोश, लोगों की हिंसक प्रवृत्तियों पर अंकुश नहीं लगा है। लोगों का मतलब आवाम की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं मिलिटेंट ग्रुप्स की बात कर रहा हूं। तो पहली बात तो जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 370 पर उसके बाबत सरकार द्वारा जो दावा किया जा रहा था पॉलिटिकल सेटलमेंट हो जाने का, वो बिल्कुल गलत साबित हुआ है। और दोस्तों दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो पहले उस तरह से नहीं देखी जाती थी, पहले अलग अलग ग्रुप्स होते थे जिनको पाकिस्तान में उनके कैंप्स होते थे, अभी भी हैं, पाकिस्तान द्वारा उनको पैट्रोनेज थी, और वो जो मुख्य किरदार होते थे आतंकी गतिविधियों के, चाहे लश्कर-ए-तैयबा हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, या
दूसरे और ग्रुप्स हों, जैसे मोहम्मद हो। लेकिन इस बार जो जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी दिखाई दे रही है और अब तक जो ट्रेंड सामने आए हैं, मैंने कई विशेषज्ञों से भी बात की, जो जम्मू कश्मीर की जो परिस्थिति है उसकी गंभीर जानकारी रखते हैं, उनका भी ये मानना है कि मिलिटेंसी के इस मौजूदा दौर में एक अजीब स्थिति सामने आई है, और वो है होम ग्रोन मिलिटेंसी की, यानी स्थानीय स्तर पर आतंकी या मिलिटेंट तैयार हो रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वो सरहद पार से आ रहे हों, कोई जरूरी नहीं है कि सरहद पार के तत्वों द्वारा डायरेक्ट उनका रिश्ता हो। ये कई कारणों से हुआ बताया जा रहा है। एक तो यह भी बात है कि जम्मू कश्मीर के लोगों में, खासकर कश्मीर वैली के नौजवानों में, जितना उनकी मेनस्ट्रीमिंग की कोशिश की जा रही है उससे कहीं कम एलियनेशन उनमें नहीं दिखाई दे, उस एलियनेशन भी उनमें होता दिखाई दे रहा है। ऐसे युवाओं के दिमागों में यह भरा गया है बयानों द्वारा, राजनेताओं के बयानों द्वारा, कि कश्मीर वैली को अब देश के बाहरी हिस्सों से आए हुए लोगों से पाट दिया जाएगा। तो एक तरह की असुरक्षा भावना भी स्थानीय युवाओं में पैदा हुई है या पैदा की गई है। बड़बोले बयान राजनेताओं के, इन्होंने भी जम्मू कश्मीर में शांति की प्रक्रिया को, राजनीतिक प्रक्रिया को डैमेज किया है। हमारे राजनेता गैर जवाबदेही से न केवल भरे हुए हैं बल्कि कई बार गैर जिम्मेदारान ढंग से बयान देते हैं, क्योंकि हिंदी हार्टलैंड में ऐसे बयानों से उनको राजनीतिक फायदा मिलता है। लेकिन उनको समझना चाहिए कि जम्मू कश्मीर जहां 3 दशक से मिलिटेंसी का दौर चल रहा है, वहां पर उनकी इस तरह की बड़बोली बातें नाहक तनाव पैदा कर सकती हैं और असुरक्षा की भावना पैदा कर सकती हैं, लोगों को भड़का सकती हैं। तो होम ग्रोन मिलिटेंसी का ये जो ट्रेंड है वो दिखाई दे रहा है कि ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे नौजवानों के हाथों में इस समय पिस्तौलें आ गई हैं जिनके बारे में कोई जानता नहीं था। जो लड़के कई जगह पकड़े गए हैं पुलिस द्वारा, सुरक्षा बलों द्वारा, उनका कोई रिकॉर्ड पहले नहीं रहा है कि वो कभी मिलिटेंसी में शामिल थे, ऐसे भी रिकॉर्ड सामने आए हैं। पढ़ाई करने वाले छात्र, नीट में परीक्षा देने वाले छात्र, ऐसे लोग भी पकड़े गए हैं और यह सरकारी रिकॉर्ड बताता है। मैं जो कुछ बोल रहा हूं सरकारी रिकॉर्ड की रोशनी में बोल रहा हूं। तो यह एक नया ट्रेंड है, इसको मौजूदा निजाम को, मौजूदा हुकूमत को समझना पड़ेगा। और एक दूसरी और महत्वपूर्ण बात जो हुई है जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में समस्याएं दिखाई दे रही हैं, वो है लोकल लीडरशिप का पूरी तरह डिमोलिश किया जाना। अपने देश का उदाहरण है, खासकर पंजाब का देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट का भी देख सकते हैं। खासकर पंजाब में अगर आप देखिए तो पंजाब की मिलिटेंसी का अंततः जो समाधान खोजा गया वो लोकल लीडरशिप को बिल्ड करके खोजा गया, लोकल लीडरशिप को डिमोलिश करके नहीं खोजा गया। राजनीतिक स्तर पर जो नेतृत्व उभर कर आया पंजाब में, जो सुरक्षा बलों के बीच से नेतृत्व उभर कर सामने आया, यानी प्रशासनिक स्तर का, सुरक्षा विशेषज्ञों का, बहुत कुशल पुलिस अफसरों को सामने लाया गया। कई ऐसे राजनीतिक व्यक्ति पंजाब में मिलिटेंसी के दौर में जिन्होंने मेहनत की, काम किया, शांति स्थापना की कोशिश की, उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी।
उन्होंने अपनी जान तक कुर्बान कर दी अपने पंजाब को बचाने और शांति स्थापना के लिए। सरदार बेअंत सिंह इसके उदाहरण है और अनेक लोग हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता अनेक मारे गए जो शांति स्थापना में लगे हुए थे और सांप्रदायिक सौहार्द बनाने में लगे हुए थे। लेकिन जम्मू कश्मीर में दुर्भाग्य यह है कि जो राजनीति है और राजनीतिक कमान जिनके पास है, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों, खासकर कश्मीर वैली के लोगों की लीडरशिप को बिल्कुल खत्म कर दिया है, डिस्क्रेडिट ही नहीं किया है, उनको डिमोलिश कर दिया है। अगर आपको मौजूदा नेतृत्व से तसल्ली नहीं थी, आप बेहतर नेतृत्व पैदा करने का मौका देते लोगों को, लेकिन आपने लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचल कर रख दिया, आपने उनको प्रोटेस्ट की कल्चर से बिल्कुल डिबार कर दिया, आवाज उठाने से बिल्कुल रोक दिया, लोग चौराहे पर आकर अपनी बात नहीं कर सकते, लोग पिटीशन नहीं दे सकते, लोग डरते हैं कि अफसरों के यहां जाएंगे, नेताओं के यहां जाएंगे, नेता तो कह रहा ही नहीं है, सिर्फ एक ही लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां पर है, तो अगर जाएंगे तो न जाने क्या इसका अर्थ निकाला जा सकेगा। तो ऐसे में लोकल लीडरशिप का न होना और आवाम को पूरा अधिकार न देना अपनी बात कहने का, ये वो कारण है जिससे कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भारी क्षति पहुंची है। और इसने लगभग खत्म हो रही मिलिटेंसी को फिर से प्राण वायु दे दी है। 2014 में जब मौजूदा सत्ता शासन में आई थी तो मिलिटेंसी लगभग समाप्त प्राय थी। पीछे की कई सरकारों ने जो बेहतरीन काम किया था उसका नतीजा था कि जम्मू कश्मीर बिल्कुल पटरी पर आ गया था, लेकिन 2014 से लेकर के और 2019 के बीच में जिस तरह की हालत धीरे धीरे खराब होती रही, जिसका कल्मिनेशन 2019 के रूप में सामने आया और हड़बड़ी में आकर, अति उत्साह में आकर जिस तरह बड़े फैसले करने का दावा किया गया, उसका नतीजा क्या निकला? बड़ी कामयाबी नहीं सामने आई बड़े फैसले लेने से। चौंकाने वाले फैसले कई बार कामयाबी का रास्ता नहीं बनाते और जम्मू कश्मीर की मौजूदा जो परिघटना है वो इसका उदाहरण है। एक हड़बड़ी भी मौजूदा सत्ताधारियों की है कि देश में हर जगह उनको अपनी सरकार चाहिए, जम्मू कश्मीर में भी उनको अपनी सरकार चाहिए, तो हर जगह अपनी सरकार बनाने की जो बेचैनी या व्याकुलता है वह भी परिस्थितियों को बिगाड़ने में कम इंस्ट्रूमेंटल नहीं है। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर के आज के हालात को इसी रूप में मैं देखता हूं और मैं समझता हूं कि इसी रूप में देखा जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत संवेदनशील सूबा है। मौजूदा सरकार ने बांट दिया, उसको दो हिस्सों में बांट दिया और राज्य को केंद्र शासित क्षेत्र बना दिया। कहां देश का बहुत बड़ा राज्य, विशेष अधिकारों से लैस राज्य, और कहां केंद्र शासित क्षेत्र। तो आवाम को आप दे क्या रहे हैं? आवाम को देने के लिए आपके पास क्या है? विकास, विकास के मामले में तो जम्मू कश्मीर पहले भी बहुत बेहतरीन स्थिति में था। भारत सरकार के रिकॉर्ड में देखिए तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से लेकर के और जितने और ग्रोथ और डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हैं उनमें यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कई क्षेत्रों से, कई राज्यों से जम्मू कश्मीर ऊपर है, ऊपर रहा है। मिलिटेंसी का दौर न होता तो वो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु से टक्कर ले रहा होता। तो जब तक जम्मू कश्मीर के इस प्रसंग को, इस परिप्रेक्ष्य को नहीं समझा जाएगा, तब तक सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर संकीर्णता भरे विचारों को लादने से जम्मू कश्मीर का मसला हल नहीं होने वाला है। एक बार फिर साबित हुआ है कि जम्मू कश्मीर सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है, जम्मू कश्मीर सिर्फ आपराधिक मामला नहीं है, यह एक राजनीतिक मसला भी है। इसको राजनीतिक दिमाग से ही इसका समाधान खोजा जा सकता है।
जहां तक सिर्फ आज हिंसा को कश्मीरी पंडित बना मुस्लिम के रूप में देखा जा रहा है, ये भी गलत है। मौजूदा दौर में जो मारे जाने वाले लोग हैं, जो हिंसा के शिकार हुए हैं मिलिटेंट्स की, उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं और मजदूर भी हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, अशोभनीय है, निंदनीय है। मुझे लगता है कि सरकार को संजीदा होकर इस पर विचार करना चाहिए। जहां तक मीडिया का प्रश्न है, टेलीविजन मीडिया से कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती है क्योंकि उसका काम मृदंग बजाना हो गया है, लेकिन अखबारों को जरूर इस बारे में गंभीर होकर सोचना, विचार करना और लिखना चाहिए, जिससे देश की जनता, समाज और राजनीति को और सत्ता को भी सही रास्ता दिखाई पड़े। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।